राजनांदगांव अमर छत्तीसगढ़ जिले के डोंगरगांव थाना अंतर्गत आने वाले बेलगांव कटली की सीमा पर नाले के पास स्थित व संचालित शासकीय शराब दुकान में गत 15-16 अक्टूबर की दरमियान रात्रि को 5-6 अज्ञात लोगों ने तलवार दिखाकर दुकान में डकैती को अंजाम दिया। शराब दुकान के 3 चौकीदारों को घायल किया। डोंगरगढ़ पुलिस ने आज शराब दुकान में डकैती के आरोप में दुर्ग जिले के कुम्हारी निवासी 3 आरोपी राकेश यादव 19 वर्ष, शुभम नंदेश्वर 24 वर्ष, राहुल चौधरी 23 वर्ष को घटना में प्रयुक्त तलवार, लाठी, कुदारी इत्यादि बरामद कर धारा 395, 397, 450, 342 भादवी 25/27 एवं लोक संपत्ति निवारण अधिनियम धारा 3 के तहत गिरफ्तार कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश बड़ई SDOP कृष्ण कुमार पटेल ने आज उक्त जानकारी देते हुए बताया कि शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है। डोंगरगढ़ में 15 तारीख को जो डकैती की घटना हुई थी उस पर आज 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। घटना दिनांक के दिन 6 आरोपियों के द्वारा शराब भट्टी में लूटपाट की गई थी। करीब 39,000 का सामान ले गया गया था और 17 लाख के करीब आसपास पैसा वहीं पे कटर मशीन के द्वारा जब निकलवाया गया कैश तो उसमें मिला और एक लॉकर को ले गया था आरोपियों के द्वारा, लेकिन आरोपियों के द्वारा उसमें निकलवाया गया कटर मशीन से तो उसमें पैसा ना पाया जाना बताया गया। आबकारी वालों से भी इस चीज़ों के संबंध में पूछताछ की गई है और मोबाइल के माध्यम से और कॉल ट्रेस के माध्यम से पता चला कि आरोपियों का लोकेशन चिचोला के ओर जाना पाया गया, जिस पर से पुलिस के द्वारा उनका पीछा किया गया, लेकिन पहली बार में पुलिस के द्वारा उनको नहीं पकड़ा जा सका और उनकी गाड़ी उस समय जब्त की गई क्योंकि गाड़ी को उनके द्वारा छोड़कर चले जाना पाया गया था। और आरोपियों का मुख्यतः जो एरिया था वो कुम्हारी एरिया है, वहाँ से इन 3 आरोपियों को गिरफ्तारी की गई। 3 आरोपी और इसमें शेष हैं जिसकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।